नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा में खेल गतिविधियों को ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास करेंगे। खेल विभाग के साथ मिलकर रीवा शहर के वरिष्ठ खिलाड़ी, हमने बात की कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों से। रीवा का TRS कॉलेज का मैदान, जहां पर काफी अरसे बाद खिलाड़ियों की चहलकदमी एक बार फिर से दिखाई दी। मौका था जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का। इसी दौरान हमने मौजूद पुराने खिलाड़ियों से, प्रतियोगिता के आयोजकों से बात करने की कोशिश की, जानने समझने की कोशिश की आज के वर्तमान हालात में जब खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, उतनी प्रतिभा निखर कर क्यों नहीं आ रही जो किसी जमाने में कम सुविधाओं के बाद नजर आती थी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ रीवा के ऐतिहासिक TRS कॉलेज के मैदान पर। यहाँ पर फुटबॉल का एक मैच चल रहा है। किसी जमाने में अपनी इसी मैदान में खेल की वजह से ये मैदान की पहचान थी। साथ ही पीछे टेंट के पीछे जो बिल्डिंग है, ये TRS कॉलेज का ऐतिहासिक मैदान है। पहले दरबार कॉलेज, बाद में ठाकुर रमत सिंह महाविद्यालय। हमारे साथ पूर्व खिलाड़ियों की एक टीम मौजूद है। आज बात खेल को लेकर होगी। क्या लगता है आपको कि रीवा में खेल का जो जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, तो आप लोगों की उसमें कोई बहुत योगदान तो दिख नहीं रहा? नहीं भाई साहब, नमस्कार आपका। लेकिन आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये हमारे बीच में हस्तियां वैसे भी खड़ी हैं, आपने कह भी दिया है। और फुटबॉल के मामले में, जहां तक फुटबॉल की बात आप कर रहे हैं, खेलों के लिए भारत में बहुत जो है प्रतिभाएं आगे जा रही हैं। और फुटबॉल भी हम लगभग 104 पायदान पर थे विश्व की अगर रैंकिंग देखें। आज वर्तमान में हम 96 पे हैं। मैं फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल खेल की बात कर रहा हूं कि आप लोग जैसे सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद रीवा में फुटबॉल खेल का स्तर क्यों गिर रहा? रीवा में खेल का स्तर उठाने के लिए ही ये तमाम कार्यक्रम हो गए। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। रीवा में खेल का स्तर उठाने के लिए ही ये बातचीत हो रही है, किस तरीके से खेल का स्तर उठाया जाएगा? खेल का स्तर जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनको खेल के ग्राउंड में रखे जाए। सारे विद्यालय के जो PTI हैं, वो अपने स्कूल में खेल की गतिविधियाँ संचालित कराएं और खेल की सुविधाओं में मध्य प्रदेश शासन भी ध्यान दे। खिलाड़ी खेले, स्कूल में खेले किस तरीके से? लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि लोग ध्यान नहीं देते, सीनियर खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं आते, जिसकी वजह से लगातार वो ग्राफ जो किसी जमाने में पहचान थी रीवा की, खत्म होती जा रही। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित रूप से हमारे जो पुराने खिलाड़ी थे, अनुभवी खिलाड़ी थे, आजकल जितना सम्मान मिलना चाहिए उन्हें खेल के मैदान में, वो सम्मान नहीं मिल रहा है। और वो मैदान में आना धीरे धीरे बंद कर दिए, इसलिए तो और ज्यादा से ज्यादा ये इसका प्रभाव पड़ा हमारे इस खेल में। और जैसे आपने बताया, PTI हर विद्यालय में और अनुभवी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, वो बच्चों के मैदान में साथ में खेले रहे तो और अच्छा स्तर है। सीनियर खिलाड़ी अगर जूनियर खिलाड़ियों के साथ रहे तो निश्चित रूप से ग्राफ। हमारे साथ ये तीन खास शख्स मौजूद हैं, अब बात इनसे भी। तीनों अपने समय के बेहतर खिलाड़ी रहे, अलग अलग खेल के खिलाड़ी रहे, उसके बाद खेल की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकारी नौकरी भी की, खेल की गतिविधियों में काफी ज्यादा योगदान रहा। किस तरीके से आपने योगदान दिया था पुराने जमाने में, जो भी जब आपका दौर था, आज के दौर में क्या अंतर पाते हैं आप? आपने बहुत ही अच्छी चीजें पूछी हैं। अंतर तो क्योंकि मध्य शासन ने अच्छा प्रयास किया है, लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। हमारे स्कूलों में PTI लोग जो है वो कम है, और खेलों का स्तर स्कूलों से ही शुरू होता है। ग्राउंड में खेल स्तर जब आएगा, जब स्कूलों से शुरू होंगे, तब कॉलेज में, शहर में, सब जगह होंगे, प्रदेश में स्तर में अच्छा खेल होगा। खेलों में रुचि जो है वो बच्चों की थोड़ा सा कम हुई है, कारण जो भी हो। प्रदेश स्तर में बहुत अच्छा शासन ने प्रयास किया है, हर जगह स्टेडियम, खेल कूद के कोच अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और जिले में भी अच्छी गतिविधियां हो रही है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपसे सीनियर खिलाड़ी, आपसे बात दूसरी होनी चाहिए। उस दौर की जब सुविधाओं के यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं था, मुझे अच्छे से याद है आप कबड्डी भी खेला करते थे। आज प्रो कबड्डी के नाम से पूरे देश में कबड्डी का प्रचार प्रसार बेहतर तरीके से हो रहा है, लेकिन सवाल वही है, आज उतने खिलाड़ी क्यों नहीं निकल रहे?
कबड्डी की बात आपने की है, कबड्डी मेरा एक अच्छा गेम था, मैं यूनिवर्सिटी लेवल में नेशनल लेवल में खेला हूं और रीवा का अभी तक का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का है कि कबड्डी में थर्ड प्लेस लेके ऑल इंडिया में हम लोग बैठे हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटी में लेवल में। कबड्डी का प्रयास रीवा के लिए बहुत अच्छा है और हमारे ब्लॉकों में कबड्डी का एक अच्छा खेलकूद का गतिविधियाँ चलती हैं, यहाँ के कोच जो हैं सीनियर खिलाड़ी हैं वो कबड्डी से जुड़े हुए हैं और कबड्डी में ज़्यादा स्कोप भी है। निश्चित रूप से धीरे धीरे खेल की गतिविधियों में सुधार हो रहा है। विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, कोई पहचान के मोहताज नहीं, हर जो भी शख्स ने टीआरएस कॉलेज का ग्राउंड देखा होगा इनको पहचानता होगा। मेरा सवाल वहीं पर से शुरू होता जो विमलेश जी से मैंने पूछा था, ये टीआरएस कॉलेज का मैदान किसी जमाने में खेल की मैदान के लिए जाना जाता था, आज यहाँ पर इस चीज का साफ तौर से अभाव, क्या कमी देखते हैं आप? कभी इस ग्राउंड के लिए हम लोगों ने इतना प्रयास किया, ये बाउंड्री वॉल जो बनी है इसकी, इसका हमारे खेल एवं युवक कल्याण विभाग से हम ही ने इसको ऐड दिया था कि इसकी बाउंड्री कम से कम बन जाए तो रास्ता बंद हो जाए। फिर इसका प्रयास किया हम लोगों ने कि इसको ग्राउंड को बनाया जाए, पैसा रखा है, बनाने वाला कोई नहीं है। अभी मैं पूर्व मंत्री जी से वही बात कर रहा था, राजेंद्र शुक्ला जी से, भाई इसके लिए भी ध्यान दीजिए आप। उन्होंने बोला खेल अधिकारी को अमित तिवारी को कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, बोले प्रिंसिपल साहब नहीं कर रहे थे पुराने। मैंने कहा आप तो करिए भाई, अब तो पैसा भी है और जो कमी हो इनसे मांगिए। बोले तो हैं कि मैं पूरा वो करूँगा, एक महीने के अंदर मैं करके दिखाऊंगा। एक महीने के अंदर अगर आप सब कुछ ठीक रहा तो ग्राउंड की शक्ल बदल जाएगी। ग्राउंड की शक्ल तो बदलेगी, खेल की शक्ल बदलने के लिए कुछ दिमाग में प्लान है? हाँ, खेल की शक्ल जो हम लोग मेहनत करते थे अपने जमाने में, हम लोग 2:30 बजे घर से पैदल निकलते थे, उस समय साइकिल भी नहीं थी, आजकल तो मोटरसाइकिल कार सब है, पैदल जूता टांगे गले में चले आते थे, बीच में चवार मिल जाए तो उसे खिली तो काबे आदमी चला आता था, और अगर 2:30 से 3 बजा तो ग्राउंड के बाहर बैठे और ताली बजाते, एंट्री नहीं मिलती थी, इतना डिसिप्लिन था उस समय। तो हम लोग 2 बजे चल देते थे कि 2:30 बजे पहुंच जाए, और कम से कम 3 घंटे गेम होता था जब तक माने, और उसके बाद दौड़ हमारे मुन्नू आदर से वो इतनी मेहनत करवाते थे कि फुटबॉल में, और आजकल के लड़कों को अगर आप 2 राउंड दौड़ा लेंगे तो बोलेंगे मैं कल से दौड़ूंगा। सबसे बड़ी बात आपने कही, आजकल के लड़कों में डिवोशन नहीं है, उस जमाने को याद करते हुए आपने साफ तौर से कहा कि अगर ग्राउंड में समय से हम नहीं आते थे तो हमें ग्राउंड में एंट्री नहीं मिलनी थी, 3 घंटे हमें बाहर बैठना पड़ता था। आज के लड़कों को अगर 2 चक्कर लगा दिया जाए तो कहते हैं हम खेलने ही नहीं आएंगे। सबसे बड़ा अंतर जो आपने समझाया, आप लगातार यहाँ पर खेल की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, इस समय आप सबसे जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से ये लगातार एक आयोजन दिखाई दे रहा है, क्या आपसे ये उम्मीद की जाए कि निकट भविष्य में हमें खेल की गतिविधियाँ दिखाई देंगी? जरूर जरूर दिखाई देगी। मुझे रीवा का जो स्पोर्ट्स में ब्राइटनेस दिख रहा है वो बहुत ब्राइट है, और यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो उत्साही पुराने खिलाड़ी हैं उनका भी जुनून देख रहा हूँ मैं, और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नियर टाइम में बनने वाला है, इनॉग्रेट होने वाला है, उसमें पूरक व्यवस्थाएँ सारी रहेगी। आप यहाँ पर जितना भी इंफ्रा मैंने देखा है, बहुत बड़ा इंफ्रा है, लेकिन वहाँ जो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों के लिए आवश्यक होती थी, चेंज रूम्स होना चाहिए था, टॉयलेट्स होना चाहिए था, ग्राउंड का लेवल ठीक होना चाहिए था, जिस लेवल के आप खिलाड़ी रहे हैं उस लेवल के आपके फील्ड्स नहीं मिली, ये मुझे लगता था कि, लेकिन अब रीवा में बहुत कम समय बचा है कि सारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छा एक इंफ्रा मिलेगा जहाँ पे सुकून से वो बैठ पाएंगे, सुकून से चेंज कर पाएंगे, सुकून से पानी पी पाएंगे, बड़े लेवल के टूर्नामेंट खेल पाएंगे। इंडोर और आउटडोर फैसिलिटी का यहाँ पे एक बहुत बहुआयामी बहुउद्देशीय स्टेडियम बनने वाला है। निकट भविष्य में एक बड़ा स्टेडियम यहाँ पर बनने जा रहा है, अलग अलग खेल के लिए अलग अलग मैदान होगा, और उसके लिए ये जो टीम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टीम का एक कमिटमेंट है, इस टीम ने आज वादा किया है कि हम ग्राउंड में एक बार फिर से दोबारा दिखाएंगे, अपने से जूनियर जो आजकल के लड़के हैं उनको प्रेरित करेंगे कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम, जैसे विमलेश सिंह जी बोले थे आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा कबड्डी का यूनिवर्सिटी में, तो ये अपने
आप में काफी बड़ी बात है। ऐसे लोग अगर ग्राउंड में दिखाई दिए तो एक बार रीवा का खेल का स्तर फिर से बेहतर दिखाई देगा। हम लगातार खेल गतिविधियों पर नजर बनाकर रखेंगे, जो भी ताजी अपडेट होगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।